है, और ये कुछ मतलब लाइक घरेलू टाइप का गाना बनाया है। मतलब कि जो औरतें होती हैं घर की, वो किचन में खाना बनाती बनाती थक जाती है, पसीने आते हैं, गर्मी लगती है, तो पति तो क्या है कि ऑफिस चला जाता है खाना बना वो सॉरी काम करने के लिए। तो वो पत्नी कहती है अपने पति से कि भाई कि एसी लगवा दे बालमा, मतलब चौबारे में एसी लगवा दे बालमा, संछान में का पंखा तरवा दे बालमा। तो इसी गाने पे मैंने ये सॉन्ग बनाया है और प्ले किया है, आप लोगों ने देखा, तो मैं इस पे थोड़ा सा डांस करना चाहती हूँ आप लोगों के लिए। छोटी सी अपनी मैं स्टोरी बताती हूँ। आई होप कि आप में से भी शायद सिमिलर स्टोरी होगी। मैं कोई कोई अमीर परिवार से नहीं थी, मैं बहुत गरीब परिवार से थी। मेरे बहुत सपने थे कि मैं भी कॉलेज में जाऊँ और पढ़ाई करूँ या ये सब चीज़ें, बट कहते हैं ना जब किस्मत होती है तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो जब मैंने 10th क्लास और 12th पास, मैं 11th क्लास में फेल हो गई थी, तो मेरे पापा ने बोला कि शादी कर देता हूँ। आप समझ रहे हैं, बट मुझे शादी नहीं करनी थी, मुझे 12th करना था। फिर मैंने सोचा कि ग्रेजुएशन करना है, और वो लड़कियां होती ना छोटी छोटी स्कर्ट पहन के कॉलेज में जाती हैं, ओह माय गॉड, लाइक दिस। तो मेरा भी था कि मैं भी थोड़ा टेंशन दिखाऊं और छोटी छोटी स्कर्ट और सॉक्स को नीचे करके ऐसा स्टाइल में और थोड़ा सा लूज टी शर्ट पहन के मैं भी ऐसा सा स्कूल जाऊँ, सॉरी कॉलेज जाऊँ। तो मम्मी कहती है कि भाई कहाँ है ऐसा कॉलेज जहाँ पे स्कर्ट मिलती है। तो मैंने कहा मम्मी हाँ एक कॉलेज है। तो मैं वहाँ गई, वहाँ पे पता चला 25,000 रुपये था सेमेस्टर का, बट मेरे पास पैसे, मम्मी के पास पैसे नहीं थे। तो उस वक्त मम्मी ने बालियाँ बेची, गिरवी रखी, और उसके बाद मैं कॉलेज में गई, और फिर मैं भी हाँ मैंने भी स्कर्ट बनवाई छोटी सी और अपना शर्ट बनाई, और मैं भी चलने लगी लाइक दिस। तो मतलब सच में बताऊँ, आज आप लोगों को देख के ना वो दिन मुझे याद आ गए जब मैं भी मतलब कॉलेज में जाती थी, कैंटीन में जाती थी, ओ माय गॉड 2 बजे मेरा क्लास ख़त्म हो जाती थी, बट फिर भी मैं शाम को 5 बजे तक कॉलेज में रहती थी। बट मेरी एक तमन्ना पूरी नहीं हुई, पता क्या, मैम सॉरी हाँ मैं अपने दिल की बात बता रही हूँ, प्लीज़, मतलब अभी बच्चे मिले हैं तो मतलब समझ रहे हो। तो मेरी दिल की बात ये थी कि मैं चाहती थी कि यार मतलब मुझे भी कोई ना ऐसा प्रपोज करे यार। तो मैं चाहती थी कि मुझे भी कोई प्रपोज करे और मुझे भी कोई फिल्म दिखाए, आप समझ रहे हैं। बस वही सपना मेरा पूरा नहीं हो रहा, किसी ने प्रपोज ही नहीं किया, आप समझ रहे हैं। और आज आप सोच रहे हो किस्मत ऐसा लेके गई मुझे मुंबई कि अब सब लोग मुझसे प्यार करते हैं। तो आप सोच रहे हो मैं कहाँ एक बॉयफ्रेंड चाहती थी अपनी लाइफ में कॉलेज में कि कोई मुझे प्रपोज करे लाइक दिस, समझ रहे हो आप। वो सपना मेरा पूरा आज तक ही नहीं हुआ, बट मैं बहुत खुश हूँ कि लोग मुझे पसंद करते हैं, लड़कियाँ मुझे पसंद करती हैं, लड़के पसंद करते हैं, स्पेशल मम्मियाँ मुझे पसंद करती हैं, आप समझ रहे हैं। तो मतलब मैंने इतना प्यार पाया है, तो थैंक यू सो मच। और आप लोग भी, सच में कह रही हूँ, जिसको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वो तो आप बनो ही बनो, अगर आप में से किसी को भी एक्टर बनना है, सिंगर बनना है, अपना सपना मत मारना। आई नो बहुत ज़्यादा तकलीफें होती हैं, मुझे भी हुई है वहाँ तक जाते हुए, बट अगर आप में टैलेंट है ना तो उसको प्लीज़ दिखाना, कोई आपको रोक नहीं सकता। तो बस अपने सपने पूरे करो, जिसको जो भी बनना है वो बने, और दिल से मेहनत करो, एक दिन आप लोगों का टाइम आएगा और आपकी भी तकदीर चमकेगी। थैंक यू सो मच गाइस, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके।